जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ड्रावर बनाने का नया तरीका सीखेंगे। नया और आसान, मतलब ऐसा ड्रावर बनाएंगे कि मतलब बेहद आसान तरीके से हम लोग एक ड्रावर को बना सकें। तो दोस्तों, हम जो ड्रावर बनाने वाले हैं वो इसी गले के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें जो चैनल लगाएंगे उसका मेजर करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे आप, हमारे टेलीस्कोप का चैनल है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से एक में मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसका साइज चेक करेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों, हमारा ये जो चैनल का साइज दोनों मिलाने के बाद 1 इंच का है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो चैनल का हमारा साइज है वो 1 इंच है और हम ड्रॉ बनाने के बाद साइड में भी लेमिनेट लगाएंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मतलब ये साइड से यहाँ पे 1 इंच एक सूत का मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों मान लीजिए 1 इंच का तो हमारा चैनल हो गया और एक सूत हम छोड़ेंगे मतलब लेमिनेट लगाने के लिए, ताकि हमारा ड्रॉ टाइट ना हो। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और उस मार्क को दोस्तों क्या करेंगे, कट कोने से खींच लेंगे कुछ इस तरह से, और उसी मार्किंग को दोस्तों नीचे की तरफ भी खींच लेंगे। ये नीचे की तरफ क्यों खींच रहा है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा जो धा ये सपोर्ट है बीच का दोस्तों, ये यहाँ से 1.25 इंच कम है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बगल में भी ड्रॉ बना बने सो है, तो सामने से मतलब ये धार ना दिखे उसके हिसाब से 1 इंच छोटा किया है। तो क्योंकि यहाँ पे मेजर करने में तकलीफ होगा, तो इसीलिए हम लोग को इसको यहाँ पे एक अंदर की तरफ मार्किंग किए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से मतलब ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से और ये मार्किंग तक मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 14 इंच 4.5 सूत का मतलब मेजर आ रहा है। और चीज़ मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब ये मेजर चेक करेंगे तो उसी टाइम हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मेजर एक चेक कर लेना है। क्योंकि अगर मान लीजिए भाई सपोज हम लोग क्या करते हैं, आगे के मेजर से ड्रॉ बना देंगे, अगर पीछे पीछे के साइड हमारा थोड़ा टाइट होगा तो हमारा ड्रॉ फिर बाद में तकलीफ गिरेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी मेजर चेक कर लेंगे और अंदर साइड में मेजर चेक कर लेंगे। अगर दोनों साइड बराबर है तो हम ये जो साइज अब हमने को हमको मिला है वो साइज से हम ड्रॉ बना लेंगे। अगर बाई सपोज अगर पीछे का टाइट है तो उस हिसाब से हमको कम कर लेना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे और पीछे दोनों तरफ का चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 15 इंची 5.5 सूत हमारा यहाँ पे है और 15 इंची 5.5 सूत यहाँ पे भी, मतलब हमारा जो आगे का और पीछे का दोनों बराबर है। तो दोस्तों हमने जो ये मेजर किया है वो हमारा मेजर परफेक्ट है। अब दोस्तों क्या करना है, ये तो हमारा चौड़ाई का हो गया। अब दोस्तों हमको डीप कितना मेजर करना है, ये जो आप धार देखेंगे ये जो 1 इंच कम है, इसके हिसाब से हमको एक बैक पैनल कट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 19 मतलब 19 इंच में 2 सूत कम है, तो 18 3/4। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा दोस्तों ये बैक पैनल कितना है, 14 इंची 4.5 सूत है, और हमारा जो लेंथ है वो दोस्तों कितना है, 18 इंची 3/4। हम मतलब इस तरह से लिख रहे हैं, आपका जो हिसाब है लिखने का वो आप देख लेना, हम इस हिसाब से लिख लिए हैं। ये हमारा बैक पैनल हो गया, बैक पैनल। अब दोस्तों ये जो मतलब साइड में और बैक में जो पीछे पार्टियां लगाएंगे उसका मेजर करेंगे। तो ये हमारा कितना रहेगा, ये हमारा देखेंगे 6 इंच है, तो हमको इसके कितना कम करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। बैक लगने के बाद मैं ड्रॉ फाइनल होने के बाद 6 सूत 1 इंच कम कर लेना है, और हम जो बैक पैनल लगाएंगे दोस्तों वो 1/2 इंच का लगाएंगे, तो उसके हिसाब से हम 1 सवा इंच कम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच है, हम 1/2 इंच कम करेंगे तो दोस्तों 4 3/4 मतलब 4.25 ही जगह बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 3/4 चौड़ाई लिख लेंगे, और इसकी इसका जो डिप्थ लिखेंगे दोस्तों वो भी हम क्या करेंगे, ये मतलब 18 3/4 जो मतलब 4.19 है वो भी हम 4.19 लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया, ये हमको 2 पीस चाहिए तो हमने 2 पीस लिख लिया है। अब हम ये क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बैक में लगाएंगे उसका भी एक साइज मतलब परफेक्ट साइज नहीं है लिखेंगे हम, एक रफ एंड टफ, जैसे मान लीजिए 15 इंच 5.5 सूत है तो 15 इंच हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 3/4 लिख के एक 15 इंच का लिख लेंगे 1 पीस। तो ये हिसाब से दोस्तों मटेरियल को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो साइज हमें लिखा था वो हिसाब से मटेरियल कट कर लिया है। अब हम क्या करना है दोस्तों, ये जो बैक पैनल है ये देखिए, हमने 12 mm का जो भी हमने जो भी प्लाई कट किया है दोस्तों वो पूरे 12 mm में कट किया है, हमने 6 mm का 8 mm का कुछ भी 1/4 इंच का नहीं कट किया, 12 mm कट किया है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा बैक पैनल है इसको हम क्या करेंगे, ये जो साइड है ये साइड में हम इसको टच कर लेंगे नीचे से कुछ इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे मतलब ये धार को पूरा इसमें टच कर लेना है, और लमसम 1 2 सूत इसको बाहर रख लेना है, मतलब ये धार है जो ना, ये धार से बाहर रख लेना है। मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा ऊपर से 1 2 सूत के आसपास, 1 सूत 1.5 सूत मतलब थोड़ा कम करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये साइड में हम लोग टच किए हैं, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, पेन से यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं,
पूरा इस तरह से मार्किंग कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जब इस तरह से हम कट कर देंगे तो हमारा जो मतलब मोहड़ी आएगा, फेसिया आएगा, वो एकदम बराबर इसके लेवल आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमने मार्किंग कर रखा है, इसको हम कटर मशीन से कट कर देते हैं। और इसको काटने के बाद दोस्तों ये जो हमारा साइज आएगा दोस्तों, उसी के मेजर के हिसाब से हमारा जो साइड का पार्टिया है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने बैक को भी काट लिया है और जो साइड का पार्टिया है उसको भी हमने बैक के लेवल ही कट कर लिया है। ये दोनों देखेंगे तो दोनों हमने बैक के लेवल कट कर दिया। अब दोस्तों आपको जब जो दो धार हमने कटिंग किया उसको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और हमने इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ के रखा था तो हमको इस तरह से इधर भी मार्किंग कर लिया, हम पहले मार्किंग नहीं किए, भूल गए थे, तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लिया। ये हमने टच किया था और इसको हमने सामने से कटिंग किया था, तो इसको हमने मार्किंग कर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको ठोक देना है। दोस्तों जब आप ड्रॉ बनाते हैं तो ड्रॉ बनाने से पहले, ये ठोकने से पहले आपको क्या करना चाहिए, जो धार अंदर आएगा, जो अंदर की तरफ रखेंगे उस तरफ लेमिनेट लगा लीजिए। दोनों पार्टी में आप दोनों साइड मतलब इधर भी लेमिनेट लगा लीजिए, इधर भी लेमिनेट लगा लीजिए, बाहर का लेमिनेट छोड़ दीजिए, बाहर का बाद में लगा लीजिएगा। और बैक पैनल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैक में जो अंदर, जैसे मान लीजिए ये वाला अगर अंदर हम ले रहे हैं तो इसको पहले लगा लीजिए, ठोकने से पहले ही मतलब लगा के ठोक दीजिए, ताकि मतलब बाद में आपको दिक्कत ना हो प्रेस करने में। और जो धार हमने अंदर अंदर की तरफ रखा था दोस्तों, इस तरह से जो अंदर की तरफ रखा था उसको मतलब उधर ही ये सपोर्ट जो खड़ा करेंगे तो यही साइड को करना है। अगर इस ये धार को करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आपको ये बात का ध्यान जरूर देना चाहिए। दोस्तों इसमें हम जो खिला लगा रहे हैं वो 17 नंबर 1/2 इंच का हेडलेस। दोस्तों इसको हमने दोनों साइड से ठोक लिया है, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मार्किंग भी यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे भी है, तो हमको इसी तरह से मतलब ठोकना है। जो मार्किंग किए हैं वो ऊपर की तरफ, जो अंदर की तरफ रखना चाहिए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सामने की तरफ प्लाई नहीं लगाएंगे, खाली पीछे की तरफ लगाएंगे। तो हमने जो पीछे वाला पीस काट रखा है दोस्तों, उसको हम इस मतलब एक धार को काट कोना चेक करना है, काट कोने में रहना चाहिए, तो हमारा ये काट कोने में है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे पीछे के साइड में और हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो टेप से मेजर करके भी काट सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम ये मार्किंग को दोस्तों क्या करेंगे, काट कोने की मदद से इस तरह से उतार लेंगे। अब दोस्तों ये जो मार्किंग हमें उतारा है, कटिंग किस तरह से करना है, हम जब कटिंग करेंगे तो ये जो हमारा मार्किंग है ये उड़ना नहीं चाहिए, मार्किंग दिखना चाहिए। अगर उड़ जाएगा मार्किंग दोस्तों तो ये पीस हमारा छोटा हो जाएगा, तो हमको मार्किंग दिखते ही कट कर लेना है। तो हमने पीस कट कर लिया दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मार्किंग थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको भी कट कर लेना है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बराबर आ रहा है। हम दोस्तों इसके ऊपर क्या करेंगे, अंदर फेविकोल लगा देंगे। तो देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से ड्रॉ को बना लिया है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आपको यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट लगा लेना है, पहले भी इसको भी पहले ही अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ तीनों चारों पीस को अंदर पहले लिमिट लगा लेना है। और बनाने के बाद आपको पहले सबसे पहले नीचे लिमिट लगाना है। अगर आप चाहें तो नीचे पहले ही लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब हम यहाँ खिला लगाएंगे दोस्तों तो खिले दिखता रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैक साइड को दोनों तरफ एक ही बार लगा सकते हैं और साइड को बाद में लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ को बना लेना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर चैनल फिट करेंगे। चैनल फिट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, चैनल को ये प्रेस करके इसको निकाल लेंगे, दोनों को निकाल लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो मतलब ये जो बाहर वाला है, ये जो हमने जहाँ पर प्लाई नहीं लगाया है उस तरफ इसको रख करके और एक 1/4 इंच का प्लाई लेंगे नीचे की तरफ, 1/4 इंच रख के यहाँ पे, और यहाँ से सामने से एक सूच छोड़ देंगे, एक सूच छोटा रख देंगे यहाँ पे, एक सूच छोटा रख के इसको टाइट कर देंगे। अब हम सेम तरीके से दोस्तों ये साइड का भी फिट कर लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अंदर लगाने के लिए क्या करेंगे, जो जो प्लाई हमने रख के चैनल को फिटिंग किया है वही प्लाई को नीचे की तरफ से लेवल रख के यहाँ पे मार्किंग मार लेंगे, आगे भी और पीछे भी।
और उसी मार्किंग के नीचे दोस्तों एक हम खिले फंसा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सामने से एक सूच छोड़ के टाइट करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा ये धार जो है 1.25 इंच अंदर है पाटिया, और इस तरफ हम दोस्तों 7 सूच छोड़ के टाइट करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सूच छोड़ के चैनल को टाइट कर लेंगे। अब इधर क्या करेंगे दोस्तों, सामने से मान लीजिए हमारा 18 mm का एक मोड़ी आएगा, तो मोड़ी के हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद एक सूत और मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 7 सूत के हिसाब से हम दोस्तों हमने चैनल को फिटिंग कर लिया है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो ड्रॉ बनाया है उसमें लेमिनेट नहीं लगाया है, क्योंकि हमने हमको दोनों साइड एक लेमिनेट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, दो दो लेमिनेट का पैकिंग ले लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को आगे डाल देंगे, 2 को पीछे डाल देंगे। अगर आप जब लेमिनेट लगा लेते हैं तो पैकिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने हमने लेमिनेट नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे पैकिंग दे देंगे। हमने पैकिंग दे दिया है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे लेमिनेट जब लगा देंगे दोस्तों, तो ये पैकिंग देने की जरूरत नहीं, हमने लेमिनेट नहीं लगाया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके अंदर ड्रॉ को डालेंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों हमारा जो ड्रावर है बराबर मूवमेंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो फेसी आएगा, जो मोरी आएगा, उसके हिसाब से हम 1.25 इंच का एक प्लाई कट कर लेते हैं। प्लाई कट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से और ये जो हमने ड्रॉवर पहले से बना रखा है इसके धार से मेजर करेंगे। तो यहाँ से जो भी मेजर होगा अपना, जो भी मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी मेजर होगा, अगर हमको एज बेंडिंग लगाना है, एज बेंडिंग अगर 2 mm का लगाना है तो 2 mm का माइनस करना है, 1 mm का लगाना है, 0.8 1 mm का लगाना है, तो उसके हिसाब से आपको दोनों साइड का मार्क मतलब कम कर लेना है, और आपको 2 mm इधर 2 mm में लूज भी कर लेना है। तो उसके हिसाब से आप लूज करके ही कट करिए, और हाइट में खाली 2 mm का मतलब लूज करिए, और जो आपको एज बेंडिंग लगाना है उसके हिसाब से आपको ऊपर हाइट में लूज करना है, एक ही साइड लूज करना है, दोनों साइड नहीं, क्योंकि दोनों नीचे से हमको लेवल लेना है। तो हम उसके हिसाब से एक पीस कट कर लेते हैं। जो सामने का मोरिया है वो कट कर लिया है, अब इसको फिटिंग किस तरह से करना है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे नीचे से लेवल आएगा, ऊपर से थोड़ा छोटा है और साइड साइड से थोड़ा थोड़ा गैप है। तो मैंने मतलब एज बेंडिंग नहीं लगाना है, तो मैं इसे कम ही किया हूँ। तो मैं पहले जो आपको बताया उसी तरह से आपको कट कर लेना है, और फेसिए को रेडी कर लेना है। और यहाँ पे फिटिंग किस तरह से करना है आपको, यहाँ पे मतलब जो गैप साइड साइड में बनाना है वो गैप साइड साइड बना लेना है, और ये जो धार है दोस्तों, ये जो ये प्लाई का जो धार है उसके हिसाब से इसको सेंटर में यहाँ पर मार्किंग कर लेना है, यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है। अब ये मार्किंग को दोस्तों क्या करना है, काट कोना खींच लेना है इधर भी और इधर भी, और वो मार्किंग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे काट कोने की मदद से यहाँ पे खींच लेना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो धार है, बीच वाला धार है, बीच वाले धार के हिसाब से यहाँ से नीचे से पकड़ के यहाँ से मेजर कर लेना है। तो एक मेरा 5 सूत के हिसाब से है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 5 सूत का एक मार्किंग कर दूँगा, और यहाँ पे भी एक 5 सूत का मार्किंग कर दूँगा। और वो मार्किंग को दोस्तों एक पट्टा लेके सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक खींच देंगे। 40 mm का स्क्रू लेंगे, 4x40 का स्क्रू लेंगे, उसमें साबुन लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों स्क्रू में साबुन लगाने से स्क्रू अच्छा जाता है, टूटता नहीं है, तो कुछ इस तरह से हम साबुन लगा लेंगे। अब दोस्तों इसको यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए फेसिए को पहले ही नीचे ही रेडी करना है, बाय सपोज इसमें लगा के, जैसे मान लीजिए अगर इसमें फिटिंग कर देंगे तो आपको पहले यहाँ पे लेमिनेट लगा लेना है, लेमिनेट लगा लेने के बाद इसके बाद इसमें फिटिंग करना है, क्योंकि फिटिंग करने बाद अब लेमिनेट नहीं लगा पाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा ज्वाइंट मार के अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर बाय सपोज आपको ये फेसिए को आप पहले ही बना के मतलब इसमें फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे भी सामने यहाँ पे भी 3 इंच का एक 2.5 इंच 3 इंच का एक पट्टी लगा लेना है। जब पट्टी लगा लेंगे दोस्तों तो उसमें क्या करेंगे, फेसिए को इस तरह से लगा के अंदर के तरफ से भी स्क्रू मार के फिक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ बगल में किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने अंदर से भी एक प्लाई लगाया हुआ है,
और यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी देखेंगे तो स्क्रू लगा के मतलब अंदर से फिटिंग किया है फेस। तो अब इसको फिक्स किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे सही जगह पे रख देना है, मतलब जहाँ पे इसका सही जगह है बराबर गैप दे के, चारों तरफ से गैप दे के रखने के बाद क्या करेंगे, इसको बराबर इस तरह से पकड़ लेंगे और ये जो हमने स्क्रू 40 का ले रखा है वो ये धार के सेंटर में टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमने दोनों स्क्रू लगा के फिक्स कर लिया है, यहाँ पे भी स्क्रू लगा देंगे पूरा। फाइनली दोस्तों हमारा जो ड्रावर है वो बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे ड्रावर हमारा बराबर मूवमेंट कर रहा है। दोस्तों हमारा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।